अच्छा, तो आज मैं रेड कोकोनट चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम सूखी लाल मिर्च के साथ बनाते हैं एक स्पेशल कोकोनट चटनी का रेसिपी। ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं रेड कोकोनट चटनी कैसे बनाते हैं। तो रेड कोकोनट चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नारियल लिया हुआ है, थोड़ा सा अदरक, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तड़के के लिए 1 टेबलस्पून तेल, थोड़ा सरसों, सूखी लाल मिर्च, 1 स्पून बारीक कटा हुआ प्याज और करी पत्ता। तो चलो रेड कोकोनट चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में जो नारियल लेके रखा हुआ है, वो जो अदरक का पीस हमने रखा हुआ था, वो 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी स्पून कश्मीरी चिल्ली और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसमें पानी डाल दीजिएगा, पानी ज़्यादा मत डालिएगा पानी, क्योंकि बाद में भी हम मिक्स कर सकते हैं इसमें, तो पानी ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, पानी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो पानी इतना डालिए कि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। तो चलो मैं इसको ग्राइंड करके लाती हूँ। तो रेड कोकोनट चटनी यहाँ पर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। तो चलो अब तड़के के लिए एक बर्तन में 1 स्पून तेल डाल दीजिए। अब इसमें सरसों और सूखी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह सौटे करने के बाद हमने जो छोटी प्याज और करी पत्ता लेके रखा हुआ है, वो डालकर थोड़ी देर सौटे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सौटे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो रेड कोकोनट चटनी का मिक्सचर हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो इसमें डाल दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा थिक है ये भी, थोड़ा और पानी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज चटनी चाहिए तो उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। और ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल धीमी आंच में 1 मिनट के लिए रखना है, बॉयल बिल्कुल नहीं करना है। बस हल्का सा गर्म होते ही हमें गैस ऑफ कर देना है। आप चाहे तो गैस ऑफ करके सारा चटनी जो ग्राइंड करके रखा हुआ है, वो अच्छी तरह इसमें डालने के बाद आप दोबारा गैस ऑन करके 1 मिनट के लिए धीमी आंच में रख दीजिए और अच्छी तरह हिलाते रहेगा, बिल्कुल बॉयल नहीं होना है। बॉयल हो जाएगा तो आपका चटनी बेकार हो जाएगा। तो चलो हमारा रेड कोकोनट चटनी झटपट बन गया है यहाँ पर, और इडली डोसा सबके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगले नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।